दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप Realme का फ़ोन यूज़ करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि Realme के स्मार्टफोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे करें, तो दोस्तों बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा और आप सीख जाएंगे Realme के किसी भी स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मैं Realme का C12 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ जो कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपके जो फ़ोन में शो हो रही है YouTube पे जो चल रही है वीडियो अभी, ये मैंने किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड की है और मैंने किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं किया और आसानी से मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं जान लेता हूँ, इस चैनल का होस्ट मैं हूँ विमलेश कुमार। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं बताते हैं, देते हैं आपको शुद्ध और अच्छी जानकारी। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे किसी भी Realme के स्मार्टफोन में सेटिंग में जाओगे तो ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा। सर्च बार पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से आपको मिल जाएगी एडिशनल सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एडिशनल सेटिंग आपको मिलेगी, एडिशनल सेटिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देखो आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो हम जो अभी यूज़ कर रहा हूँ तो ये यही यूज़ कर रहा हूँ। रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो साउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, ये दोनों आपको ऑन ही रखने हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रही है तो आपको एक जगह और बताऊँगा वो कहाँ मिलेगी। और ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन के पास एक जो यहाँ पे ये चल रहा है रिमेनिंग टू डी डाटा वगैरह, यहाँ पे आपको इस तरीके से टैप करना है। यहाँ पे टैप करेंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल सकती है। ठीक है, नीचे की तरफ मिलेगी तो आपको उसको दबा के ऊपर की तरफ खींच देना है। ठीक है, किस तरीके से, मैं जैसे OTG है यहाँ पे दबा के खींच रहा हूँ, ये देखो ऊपर की तरफ OTG आ गया। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से बैग लौटेंगे तो OTG यहीं से आपको शो होगा। इसी तरीके से ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे शो हो रही होगी आपको प्रोविजनल हॉटस्पॉट के पास में। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आ रही तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना के इस चैनल पर डाल चुका हूँ और आसानी से वो देख लेनी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से कर लेनी होगी। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ रही है Realme के स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग संबंध, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा। दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन भी सजेस्ट करूँगा जो काफ़ी अच्छा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद सीधा आपको लिख देना है यहाँ पे सर्च बार में AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, इससे बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर शायद है आपको मिले। ये लाइव स्ट्रीम के लिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, काफ़ी अच्छा है, 50 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये वर्क करने लगेगा। दोस्तों आसानी से आप कर पा होंगे Realme के स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर से एक अच्छी वीडियो लेके आपके लिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।